ये हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। ये शुरुआत जो है ये आपकी आवाज उठाने के लिए है, जो आवाज पिछले 10 साल से दबी हुई थी, जो आवाज दुखी थी, जो हर वर्ग जो है जो त्रस्त था। आज जो है समय आ गया है भाइयों और बहनों, कांग्रेस के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, कि अब उठ जाओ, जागो और हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम निकल रहे हैं, इसके लिए संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए आप लोग सब तैयार हैं? सब तैयार हो? तैयार हो? डरोगे नहीं? डरो मत। जैसे राहुल जी कहते हैं, किस बात का डरना, जब हमने जनता की आवाज उठानी है। आम जनता जो त्रस्त है, आज 10 साल हमने देख लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल हो रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर क्या हाल हो रहा है। नतीजा आज ये है, जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग जो है दुखी हो चुका है, और वो ये समय देख रहा है कि किस समय वोटों का समय आए और जो है हम इनको वोटों के जरिए बाहर निकालें। ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं हम साथ में, राहुल जी ने अपनी न्याय यात्रा जो है नॉर्थ ईस्ट से शुरू करी है। इस यात्रा का शुरुआत जो शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने जो संकल्प लिया, वो इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि आप लोगों की आवाज अगर उठानी है तो ये काम, ये संघर्ष जो है हमें करना होगा, और ये संघर्ष करने के लिए हम सड़कों के ऊपर निकलने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि आज हालात क्या हो रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि जो है सारे के सारा हर तरीके से लोगों को गुमराह करा जाता है। क्या बात नहीं होती, अब जो है चुनाव का जब समय आ रहा है तब धर्म के ऊपर बात आ रही है। आपने देखा, कल मैं टीवी पर देख रही थी कि हमारे चार चार धर्माचार्य जो हैं, जो हमारे आदि शंकर और हमारे सारे के सारे सबसे बड़े जो हिंदुओं के लिए जो मठ के माने जाते हैं, उन्होंने, शंकराचार्य जी ने जो कहा कि आज धर्म के ऊपर राजनीति करी जा रही है। आप मुझे बताइए, यहाँ जितने बैठे हैं हम लोग कोई नास्तिक लोग हैं? नास्तिक हैं क्या हम? नहीं। सबसे ज्यादा अगर भगवान का नाम कोई लेता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, निष्ठा के साथ करता है और गरीब के लिए करता है, वो भगवान का नाम सबसे आगे लेता है। जहां गरीब का वास होता है, चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, वहां पर भगवान का वास होता है। तो सच्चाई ये है कि ये जो 36 बिरादरी को तोड़ा गया है, ये जो है तितर बितर करने की कोशिश करी जाती है, ये जो बार बार जो है गुमराह करके अलग अलग मुद्दे लेकर आए जाते हैं, इन मुद्दों से जो है बीजेपी जो है आपका ध्यान भटकाने की बात करती है। तो ये संदेश जो आज हम लेकर जा रहे हैं कि ये भटकना नहीं है, हमने आगे अपना काम करना है। और निश्चित तौर से मैं आज आपको वायदा करके जाती हूँ, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आप लोगों का नेतृत्व होगा। डरना नहीं, गुमराह मत होना, चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे, हम यहाँ पर कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। और समर्पित सिपाही होने के नाते खड़गे जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल जी जो हमारे बहुत ही प्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने काम करना है, हम लोगों ने आगे बढ़ना है। और बढ़ हम केवल तब सकते हैं जब हमारा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो दृढ़ संकल्प लेकर खड़ा हो जाए और सोच ले कि अब से लेकर लोकसभा तक, उसके बाद चुनाव आएगा विधानसभा का, लेकिन लोकसभा तक हम लोगों ने पूरे मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके बताओ मुझे, तैयार हो? यही जोश। आज इतना ठंड का समय है, तुम्हें हम गर्म करने आए हैं।
तुम जानते हो शैलजा जी और मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं। जो एक बारी बात कह दी उसको पूरा करके रखते हैं, चाहे उल्टा क्यों ना लटकना हो, क्योंकि हमने जनता के लिए संघर्ष करना है, जनता के लिए हमने आवाज उठानी। और इसीलिए मेरा पूरा समर्थन और पूरा साथ शैलजा जी के साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, समय बार बार नहीं आता। ये मौका जो हमारे सामने है, ये बदलाव का समय है, और ये बदलाव जनता करती है। आपने घर घर में जाना है, ये बदलाव का संदेश लेकर जाना है कि आप बहुत हो गया, 10 साल देख लिए इनके झूठे वायदों के, देख लिए नहीं देख लिए। मेरी माताएं बहने बैठी हैं, दुखी हो रही हैं, कहते हैं मोदी जी की गारंटी, महिलाओं को धुआं मुक्त करूंगा। बताओ बहनों, धुआं मुक्त हो गई क्या तुम लोग? नहीं। पता नहीं कितनी कितनी गारंटी दे रहे हैं, 5 लाख की गारंटी जो है स्वास्थ्य के लिए, कहाँ है वो 5 लाख, हमें नहीं नजर आता। गारंटी देते हैं जनता को कि उनको नौकरी देंगे। आज जो है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। सबसे शर्म की बात यह है, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो जो हैं हताश हैं, उन्हें मालूम नहीं हम कहाँ जाएं, आने वाला समय उनको अंधकार नजर आता है। इसी तरह से हमारा किसान भाई, उसको गारंटी देते हैं कि हर साल 6,000 रुपए आपके खाते में डालेंगे। अरे पूछो इनसे जाकर, सारे 10 साल में सारी जेब काट ली या नहीं काट ली, मुझे बताओ। सारे के सारे इतनी महंगाई कर दी कि आज जो है 2023 का जो वायदा करा था कि हम दुगनी करेंगे आए, आज वो दुगनी की बात छोड़ो, आज किसान जो है, धरती पुत्र जो है, वो बिल्कुल धरती के ऊपर लग गया। ये हालात इन्होंने पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर खास तौर से करे। तो मैं आपको केवल एक ही संदेश देने आई, हम संघर्ष करना जानते, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, और हम घुटने टेकना नहीं जानते। ये भी बात याद रखना, काम करने के लिए निकले हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए निकले हैं, और वो जनता की आवाज उठा कर रहेंगे। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो छत्तीस बिरादरी का जो है, जो दुखी है, उसकी आवाज बनकर हम तीनों, मैं, शैलजा जी और रणदीप जी निकले हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज जो आपने शुरुआत हिसार की धरती से, शैलजा जी के क्षेत्र से जो शुरुआत करी है, ये आवाज पूरे हरियाणा के अंदर जाए कि अब जनता खड़ी हो गई है। और ये यात्रा जो निकल रही है, कांग्रेस न्याय यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो राहुल जी निकाल रहे हैं, नया न्याय यात्रा, और जो ये संदेश यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, ये घर घर ये संदेश जाए कि बदलाव सामने है, और अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे। यही संकल्प लेकर हम आगे चलेंगे। और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, शैलजा जी की तरफ से वो खुद बोलेंगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर, हर लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर मैं साथ खड़ी होंगी। और जो है इस मुहिम को जो हमने शुरू करा है, इस मुहिम को हम आगे लेकर जाएंगे। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठंड का समय जरूर है, लेकिन जब बदलाव का जो घड़ी आती है, तब इसी तरह से बदलाव शुरू होता है, और वो बदलाव का माध्यम आप लोग बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।